सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विजय है और आज के वीडियो का टाइटल है सम ऑफ ऑल इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6। मुझे ऐसे नंबर के ही एडिशन करना है जो कि सिर्फ 6 से डिविजिबल हो, ठीक है, मतलब जो कि 6 के मल्टीपल्स हो, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई भी नंबर अगर यूज़र एंटर करता है तो वो मैं एडिशन में कंसिडर ना करूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई यूज़र एंटर करता है 4, फिर 6, फिर 1, उसके बाद में सपोज 10, उसके बाद में सपोज उसने एंटर किया 12, फिर 18, फिर 30, ठीक है। तो इतने सारे अगर यूज़र कोई नंबर एंटर करता है, ठीक है, तो उसमें से अब हमको बताए 6 के मल्टीपल कौन से हैं, ये उसके बाद में ये और ये, मतलब सिर्फ इतने नंबर की ही एडिशन होना चाहिए, बाकी सब नंबर के एडिशन नहीं होना चाहिए, उसको हमें जो है स्किप करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों दो कंसेप्ट का यूज़ होने वाला है, एक तो आपको लूप जो है आना चाहिए और दूसरा यहाँ पे हमें डिसीजन स्टेटमेंट मतलब इफ का भी यूज़ करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, ठीक है। सबसे पहले प्रोग्राम लिखने से पहले हमें कितने वेरिएबल इसमें चाहिए ये हमें डिसाइड करना होगा। तो सिंपल कुछ नहीं, एक एडिशन के लिए एक वेरिएबल चाहिए, ठीक है, और मुझे लूप चलाना है तो उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए, मतलब मैक्स टू मैक्स मुझे दो वेरिएबल चाहिए। सो आई एम राइटिंग हियर इंटीजर एन कॉमा सम इज इक्वल टू 0। तो ये दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया है, सम की वैल्यू 0 डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं वैल्यूज को रीड करूँगा, तो उसके पहले एक मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ कि एंटर नंबर्स फॉर एडिशन, एंटर नंबर्स फॉर एडिशन एंड एंटर 0, एंटर 0 टू एग्जिट, ठीक है। क्योंकि नंबर कब तक एंटर करना है हमें कुछ पता होना चाहिए ना, क्योंकि हमें जो लूप चलने वाला है हमें पता नहीं है कि यूज़र कितने नंबर एंटर करेगा, ठीक है। अगर हमें पता होता तो फिर हम सीधा सीधा फॉर लूप का यूज़ कर देते थे, बट यहाँ पे हमें पता नहीं है, हो सकता है कोई यूज़र 10 नंबर एंटर करे, कोई 5 नंबर एंटर करे, कोई 2 ही नंबर एंटर करे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं व्हाइल लूप का, ठीक है। अभी वो जो भी नंबर एंटर करने वाला है वो मैं स्टोर करने वाला हूँ एन में। सो आई एम राइटिंग हियर स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट एन। चलो नंबर तो मैंने रीड कर दिया, अब मुझे ये भी चेक करना है कि जो नंबर उसने एंटर किया है वो कौन सा नंबर है। पहले तो ये चेक करना होगा क्या वो 0 है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस बेस पे ही मुझे एडिशन करना है। सबसे पहली कंडीशन ये है, क्योंकि 0 होगा तो ही मैं लूप एग्जीक्यूट, सॉरी 0 नहीं होगा तो ही मैं लूप को एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। देखते हैं कैसे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ व्हाइल एन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंडीशन अगर ट्रू होती, क्योंकि हो सकता है किसी ने अगर शुरुआत में 0 एंटर कर दिया तो कोई एडिशन तो परफॉर्म होना ही नहीं है, ठीक है। चलो तो सपोज एन की वैल्यू 0 नहीं है, उसने 4 एंटर किया, अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो नंबर उसने एंटर किया है क्या वो 6 से डिविजिबल है। तो कैसे चेक करेंगे, तो हम कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे इफ एन मॉड 6, ठीक है, एन मॉड 6। मॉड मॉडुलस ऑपरेटर का यूज किस लिए करते हैं हम, इससे हमें रिमाइंडर पता चलता है। और कोई भी नंबर अगर डिविजिबल है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, अगर किसी भी नंबर का रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम समझेंगे कि वो नंबर जो है उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है। तो इस केस में हम चेक कर रहे हैं कि एन को 6 से डिवाइड करने के बाद में अगर रिमाइंडर 0 आ रहा होगा तभी हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लूप एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब जैसे कि सपोज मैंने पहला नंबर रीड किया 4, तो एन की वैल्यू होगी 4, फिर यहाँ पर चेक कर रहा हूँ क्या 4 0 से इक्वल है, नहीं है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगेन आई एम चेकिंग कंडीशन, क्या 4 मॉड 6 0 है, बिल्कुल नहीं है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। चलो अब मुझे नेक्स्ट नंबर रीड करना है, अभी तो मैं लूप में हूँ, फिर से एक मैं यहाँ पर स्कैन एफ स्टेटमेंट को लिख देता हूँ। सो स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट एन, अभी एन की वैल्यू हो जाएगी आपके 6 और ये रहेगा आपका लूप का ब्रैकेट, ठीक है। एन की वैल्यू होगी 6, फिर से मैं यहाँ पे यहाँ से आ गया यहाँ पर अभी चेक कर रहा हूँ क्या एन की वैल्यू 0 है, बिल्कुल नहीं है, फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई। अगेन यहाँ चेक कर रहा हूँ 6 मॉड 6 क्या 0 है, बिल्कुल है, अब एडिशन परफॉर्म होगी। तो हम करेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, सम की इनिशियल वैल्यू तो 0 है और एन की वैल्यू है 6, तो 0 प्लस 6 हो जाएगा आपका 6,
ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया, अगेन आई एम रीडिंग अनदर नंबर, तो n की वैल्यू हो गई 1, फिर से चेक कर रहा हूँ यहाँ पर आके क्या 10 है, नहीं है, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर चेक कर रहा हूँ 1 mod 6, क्या ये 0 आता है, नहीं आता है, तो ये वाला पार्ट परफॉर्म नहीं होगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब एडिशन जो हो रही है एग्जीक्यूट नहीं होगी, डायरेक्टली मैं आ जाऊँगा स्कैनिंग पर। फिर से चेक कर रहा हूँ 10, अब n की वैल्यू हो गई 10, फिर से लूप में चेक कर रहा हूँ क्या n की वैल्यू 0 है, नहीं है, फिर चेक कर रहा हूँ 10 mod 6, क्या 0 है, नहीं है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर से नया नंबर मैंने रीड कर दिया 12, n की वैल्यू हो गई 12, फिर लूप पे आ गया, कंडीशन चेक किया क्या 12 इज नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन तो ट्रू है, ठीक है, मतलब ये 0 नहीं है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ क्या n mod मतलब 12 mod 6 0 है, बिल्कुल है, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस n, अभी लास्ट सम की वैल्यू थी 6 और n की वैल्यू है 12, सो 12 प्लस 6 ये हो जाएगा आपका 18, सम की लेटेस्ट वैल्यू हो गई 18, फिर से यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों ये ऐसा चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक कि n की वैल्यू 0 को एंटर ना कर दे, यूज़र आपका 0 एंटर ना कर दे। चलो मैंने यहाँ पर सपोज 0 एंटर कर दिया, 0 एंटर करने के बाद में क्या हो जाएगा, फिर से मैं n की वैल्यू हो जाएगी 0, फिर हम चेक करेंगे क्या 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन होगी फॉल्स, तो ये वाला पार्ट अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब हमारी अब तक की एडिशन तो परफॉर्म हो गई है। अब हमारा काम क्या बचता है कि हमें जो है आउटपुट को डिस्प्ले करना है, सो हम करेंगे स्लैश n सम इज इक्वल टू परसेंट डी, और यहाँ पर हम सीधा सम की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है, तो सिर्फ उन्हीं नंबर की एडिशन होगी, मतलब सिर्फ अगर देखा जाए तो 6 plus 12 18 18 plus 18 हो जाएगा 36 और 30 हो जाएगा आपका 66, तो जो आउटपुट आएगा आपका वो आएगा सम इज इक्वल टू 66, मतलब इसने सिर्फ उन्हीं नंबर को ऐड किया है जो नंबर 6 से डिविजिबल थे, ठीक है, जो 6 के मल्टीपल थे। तो ये था दोस्तों हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने एडिशन परफॉर्म किया है सिर्फ उन्हीं नंबर्स की जो विच आर मल्टीपल्स ऑफ 6 विच आर डिविजिबल बाय 6। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।